यहाँ कैसे? मेरा शो है ये. Looking very beautiful today. Thank you. क्या लिपस्टिक लगाई? Damn it. I'll miss you, okay? I'll miss you too. Take care, हाँ. Take care. एक नंबर की कमी नहीं है ये. क्या रे निकुल गांडा, तेरी माँ का साकी नाकाब है? साला चीट किया तुम लोगों ने मेरे साथ. कहते आइटम बॉम्ब स्पेशल है, मेरे पैसे भी नहीं लिए ये एपिसोड करने के. आइटम बॉम्ब बोल के घर का माल पकड़ा दिया तुम लोगों ने. साला मेरे कलीग लोग एंजॉय कर रहे हैं इधर, 5-star होटल का खाना खा रहे हैं सब लोग यहाँ पे. खैर सोहेल भाई किधर है यार? मैं जानता था जिस दिन ये आदमी का बिरयानी का काम चालू हो जाएगा ना, ये कॉमेडी सर्कस छोड़ के चले जाएंगे. अरे वो फिल्म बनाने गए थे. फिल्म बनाने गए? फिल्म मिल गई उनको? चलो अरबाज भाई बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी सर्कस बहुत लकी है सब लोगों के लिए. जितने लोग आए सबका बहुत अच्छा हुआ. अब देखिए आज आप भी आए, कल से आपको भी फोन आने शुरू हो जाएंगे. सच्ची बता रहा हूँ मैं. सबसे पहला फोन तो मेरा आएगा कि मुझे काम दे दो प्लीज. खैर मैं तो चलो इधर वेटर हूँ. हम कभी भी कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं सर, सॉरी. सामान मैडम का लेकर आ गए, लेकिन मेन सामान किधर गया मैडम? ओ सामान रखो इधर, चेक करना है मुझे. हाँ हाँ मैडम एक मिनट. मैडम एक छोटी सी सलाह देनी थी आपको. क्या इतना बड़ा बड़ा बैग लेके नहीं चलने का? क्या था ट्रेन में आने में बहुत प्रॉब्लम होती है? ओ, मैं ट्रेन से नहीं प्लेन से आई हूँ. नहीं नहीं मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैडम. क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जिंदगी भर कृष्णा जैसा अमीर बॉयफ्रेंड आपका रहेगा. आने दो सुदेश जी को, दिखाता हूँ. खैर मैडम इसका क्या करना है ये बैग का? चेक करना है मुझे सब सामान है कि नहीं. हाँ अभी चेक कर. अरे ऐसा कोई चोरवीर थोड़ी हूं मैं. सारा सामान पड़ा है आपका, ये देखिए. ये देखिए. गुड. क्या मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतने से कपड़े लेने, इतना सारा बैग लेने की क्या जरूरत थी? इसको तो आप मोबाइल के कवर में भी ला सकती थी. एक मैडम एक मिनट, आपको एक छोटा सा एक टिप देता हूं. ये रखिए मैडम, ये रिचार्ज है फोन का. जब भी फोन का बैलेंस खत्म हो जाए ना, इसको अपने साथ रखने का, कभी भी बैलेंस आ जाता. अरे मेरा फोन बिलिंग है. नहीं नहीं मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ. जरूरी थोड़ी है कृष्णा जैसा अमीर बॉयफ्रेंड जिंदगी भर आपके साथ रहे. आने दो सुदेश जी को अभी दिखाता हूँ. बहुत बकवास हो गई, निकल जाओ तुम. चलो ठीक है, अपना क्या है वेटर आदमी. फिर भी एक छोटा सा सजेशन देके जाता हूँ मैडम. ये लो ये रख लो, ये मुंबई का पास है 200 रुपए का. पूरा महीना आप इसमें बॉम्बे घूम सकती हैं. अरे मेरे पास खुद की गाड़ी है. नहीं नहीं मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ. जरूरी थोड़ी है कृष्णा जैसा अमीर बॉयफ्रेंड जिंदगी भर आपके साथ रहे. सुदेश जी आने रे, मैं ही जाके मारूंगा उनको. बड़े थप्पड़ मारे. सुदेश जी आप बहुत टैलेंटेड हो. अरे कृष्णा में क्या रखा है, थोड़ा डांस ही अच्छा कर लेता ना आपसे. थोड़ा दिखता भी है ना अच्छा आपसे. थोड़ा स्टैंड अप भी आपसे बेटर ही कर रहा है. थोड़ी फिल्में भी आपसे ज्यादा साइन की है ना. तो क्या हुआ, टैलेंटेड आप ही हो. हाँ अच्छा मतलब मेरे में कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ उसमें है, टैलेंटेड फिर भी मैं हूँ. ये होता है सच्चा लालच. तेरे बारे में पता कितनी गंदी गंदी झूठी अफवाहें फैलाता है यहाँ पे. क्या बोलता है मेरे बारे में? झूठ बोलता है, कहते कश्मीरा बहुत स्मार्ट है, सुंदर है. अब देख लिया आपने? कृष्णा मुझसे सच्चा प्यार करता है. अंडरस्टूड? हे सुनो ना, अरे बहुत खाली घर की दाल, अब बिरयानी खाऊंगा मैं. मैं फोन कर लूँ एक? किसको करना है? बॉय को. बॉय बच्चा भी रखा है तूने? सर्वेंट सर्वेंट. अरे करो करो. एक मिनट, फोन बज रहा है, फोन बज रहा है. हेलो. हेलो. हाय. हाय हाय. क्या कर रहे हो? बस क्रिकेट खेल रहा हूँ. तुम क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर के पास हूँ. अच्छा
उन्होंने कहा है कि आप दवाई से काम नहीं चलेगा, सीधा इंजेक्शन ही लो। डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। ओके, क्या कर रहे? एक बात कहूं डार्लिंग, आप मेरे से डायलॉग नहीं बोले जाएंगे। इधर इतना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ ना, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। तेरी माँ का साकीना का सही, तू इधर बैठी है, धोखा दिया तूने। धोखा तूने दिया, धोखा दिया तूने मेरे को। अरे अरे, क्या कुछ नहीं किया था मैंने इसके लिए, मालूम है? तो हमें तो कुछ करने देता है, क्या कुछ नहीं, हमें मौका नहीं देता। मालूम है, इसके बाप ने स्वयंवर रखा था अर्चना जी, 15-20 लड़कों को बुलाया था, सबसे पहले मैं पहुंचा उधर, और सबसे पहले सवाल का जवाब मैंने दिया। मालूम है, उसके बाप ने पूछा ये मुंह ढककर गमले में कौन सुसु कर रहा है, सबसे पहले मैं बोला मैं। मार मार के मेरे को भगा डाला उन लोगों ने, फिर भी मैंने इसको नहीं छोड़ा, तूने मेरे को धोखा दिया। ये जितनी भी गर्लफ्रेंड होती ये धोखेबाज होती। अरे शादी करो, बीवियां बीवी होती हैं, हमारी भी पंजाब में बीवी है, उसने कभी गलत काम नहीं किया, उसने कभी हमें कुछ नहीं कहा, आज तक उसने कभी हाथ तो क्या हमारे आगे आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि बीवी बीवी होती है और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है। मेरी बीवी, आई प्राउड ऑफ यू बिल्लो। जादे कुत्ते तेरी, क्या कर रहा है इधर तू? इधर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है इधर तू? हे तू क्या कर रही? क्या कर रहा है? क्या कर रहा था तू इधर? मैंने कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा था, इन्होंने गलत समझ लिया मेरे को। तू तू क्या कर रही इधर? तू मेरे को धोखा दे रही है? हाँ तो तू धोखे दे, हम तेरे को धोखे ना दे, तू धोखे दे हमको। हम नहीं दे सकते धोखे। इसको साथ लेके घूम रहा है ना, ये अपने आप को बड़ा कुछ समझती है। ये मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ। जब किसी ने कहा जी साथ चलो, हम चल पड़े, अपने पैसे दे के आई हूँ। पैसे क्या तूने दिया क्या मुझे आज तक? अच्छा, मैंने तो ये कुछ नहीं दिया। हाँ। वो दो बच्चे जो, अबे तो तूने क्या दिया? उन बच्चों की कभी आवाज सुनी है? सकीना का बोलते वो। एक मिनट, मुझे समझ आ गई, हमारी दोनों बीवियों ने हमें धोखा दिया। तू ऐसा कर, तू मेरी बीवी को एक गोली मार दे, मैं तेरी बीवी को 3-4 गोलियां मार देता, एक से मरेगी नहीं, ठीक है? वेरी गुड, अब तेरी बारी, आजा। हम थोड़ी मारेंगे, हमने खर्चा किया इधर, पागल है बेवकूफ है। नहीं देखा, मुझे नहीं मारेगा। हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, हमारी जोड़ी। अर्चना, क्या कहेंगी आप इस आग के बारे में? बहुत हिम्मत चाहिए इस मंच पर परफॉर्म करने के लिए, एंड द डांस दैट यू डिड कश्मीरा, फैबुलस। थैंक यू सो मच। द एक्ट वाज कंप्लीटली मैड। आई थिंक द हाईलाइट वाज छोटा सिद्धार्थ। आप इस एक्ट को रॉकेट की तरह ले गए एंड में। पता नहीं क्या किया आपने, जब आप बिल्लो के अवतार में आई तो पता नहीं क्या बोला, कैसे चली आप अजीब अजीब तरीके से, बहुत कामयाब रहा आपका वो दौर। कृष्णा, योर डांस ऑल्सो वॉज फैब्यूलस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, जो आप दोनों ने मिलकर किया। सो देयर वर लॉट्स ऑफ गुड पॉइंट्स इन दिस एक्ट, लेकिन आप लोग जो अमेजिंग एक्ट करते हैं ये उनमें से नहीं है, लेकिन फिर भी और वजहों की वजह से ये मेमोरेबल एक्ट होगा। थैंक यू आरजी। अरबाज, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा एक्ट था ये बहुत ही थिन लाइन पे था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट्स और बड़े अच्छे अच्छे पंचेस थे, एंड कुछ बड़े अच्छे डायलॉग्स थे। एक वो कांस्टेंट जो डायलॉग आता रहा आपका, हाँ वो बड़ा अच्छा था, एकदम राइट टाइम पे इट वाज देयर। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा था, आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी गुड ओवरऑल। आई थॉट इट वाज अ गुड एक्ट, एवरीबडी परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल, बट द मेन थिंग दैट रियली काइंड ऑफ क्रिएटेड द स्पार्क was Siddharth's thing, and it was fantastic. I really enjoyed it.